अभी तक आपने एस्ट्रो टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। पितर की आशीर्वाद के लिए पितृ पक्ष में क्या करें, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। पितरों के आशीर्वाद पाने के लिए पितृ पक्ष के दौरान कुछ विशेष कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। यह समय पूर्वजों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ उपाय बता रहे हैं जो पितृ पक्ष में करने से पितरों की कृपा प्राप्त हो सकती है। पितृ पक्ष के दौरान अपने पूर्वजों के नाम पर श्राद्ध और तर्पण करें। इसमें पवित्र जल, तिल और जौ का उपयोग करके पितरों को जल अर्पित करें। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए गंगा जल में तिल और जौ मिलाकर तर्पण करें। यह प्रक्रिया विशेष रूप से पवित्र स्थानों पर की जाती है, जैसे कि गंगा नदी के किनारे। भोजन ब्राह्मणों को कराएं, गरीबों को कराएं और जरूरतमंदों को जरूर भोजन का दान करें। इसे पिंडदान भी कहा जाता है। भोजन में खासकर खीर, पूड़ी, चावल, दाल और मिठाई अर्पित की जाती है। गाय और कुत्ते को खाना जरूर खिलाएं। पितृपक्ष के दौरान कौवा और कुत्ते को भोजन के कराएं, साथ ही गाय को भी भोजन कराएं। यह पितरों को संतुष्ट करने का प्रतीक है। प्रतिदिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए ध्यान करें और उनके नाम का जप करें। ओम पृथिव्यः नमः मंत्र का जाप विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान उपवास रखना और सात्विक भोजन करना अच्छा माना जाता है। इसमें मांसाहार और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। अन्य वस्त्र, जूते, छाते और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें। इसे करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए खासकर पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाएं और जल अर्पित करें। पीपल को पितरों का निवास स्थान माना जाता है। इन उपायों से पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है और वे अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।